द कीटो डाइट इज अ वेरी लो कार्ब हाई फैट डाइट। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए इस डाइट में हम हमारे दिन के पूरे कार्बोहाइड्रेट्स फैट से रिप्लेस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी कीटोसिस नाम के मेटाबॉलिक स्टेट में एंटर करती है। एंड कहा गया है कि इसकी वजह से हमारी बॉडी एनर्जी के लिए कार्ब्स की जगह फैट्स का इस्तेमाल करती है, प्रोवाइडेड कि आप एक कैलोरी डेफिसिट में हो। एनीवेज, मैं जिस टाइप का कीटो डाइट फॉलो करने वाला हूँ इज कॉल्ड द हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट, जिसमें हम हमारे मैक्रोज को कुछ इस प्रकार डिवाइड करते हैं: 60% फैट, 35% प्रोटीन एंड 5% कार्ब्स। मेरे मेन फूड ऑप्शंस होंगे अंडे, पनीर, बटर और चिकन। एनीवेज, आई विल मीट यू गाइस टुमारो फॉर डे नंबर 1। इसे कहते हुए काफी टाइम हो गया है, बट नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो इट्स डे नंबर 1। मैं ये चैलेंज ट्राई करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू टुडे, सबसे पहले हमें ग्रोसरी स्टोर जाके कुछ सामान खरीदना पड़ेगा, बिकॉज मेरा वेट, हम सबका घर कार्ब्स से भरा होता है। किचन में एंटर करते ही कार्ब्स का आक्रमण होता है। कार्ब्स। सो कल रात मैंने नोट्स ऐप में एक लिस्ट बना के रखी हुई थी ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू बाय, एंड मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया। पहले मुझे लगा था कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहेंगे, बट इट्स नॉट बैड। मुझे बस मेरे मील्स के साथ थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा और अलग अलग फूड कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट करके देखने पड़ेंगे। सच अ ब्यूटिफुल डे। अभी आई डोंट रियली नो कि दोराबजीज खुला होगा कि नहीं। वैसे देखा तो एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में दोराबजीज आता है, क्योंकि वो एक ग्रोसरी स्टोर है। सो लेट्स सी। It's open. So this is what we got. मेरा बैंक अकाउंट मेरे डिसीजन से इतना खुश नहीं है। पनीर, I think ये मेरा मेन सोर्स ऑफ फैट्स होने वाला है, क्योंकि इंडिया में सॉसेजेस और वो सब बहुत बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। द सेकंड थिंग दैट वी गॉट इज चिकन ब्रेस्ट, ऑफ कोर्स थोड़े से प्रोटीन के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं हर रोज मेरा प्रोटीन गोल हिट कर रहा हूँ। देन वी गॉट सम मेयो। मैं एक्चुअली ये खाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। आई थिंक बहुत सारे साल हो गए सिंस आई हैव बॉट मेयो। देन क्रंची पीनट बटर। मुझे पर्सनली क्रीमी पीनट बटर से ज्यादा क्रंची ज्यादा अच्छा लगता है, विच इज वाई आई गॉट दैट। लिस्ट में से ऑलमोस्ट सारी चीजें मिल गई, जो चीजें नहीं मिली वो लाने के लिए मुझे आइदर कल या परसों वापस दुकान जाना पड़ेगा। करंटली 3:18 हो रहा है एंड आई एम स्टार्टिंग टू गेट अ लिटिल हंग्री, तो जाके बनाते हैं मील नंबर 1। सो टेक्निकली ये मील नंबर 1 नहीं है, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर से वापस आने के बाद मैंने कीटो कॉफ़ी बना के पी हुई थी, और कीटो की दुनिया में उसे एक मील जैसे विजुअलाइज किया जाता है। सो ये मेरा पहला सॉलिड मील है, बट टेक्निकली दिस इज मील नंबर 2, क्योंकि उस कॉफ़ी में मैंने बटर और घी वो सब डाला हुआ था। दैट वॉज अराउंड 250-300 कैलोरीज। चीयर्स। सो इट्स 11 PM, मुझे बहुत सारी नींद आ रही है, विच इज़ प्रिटी रैंडम एंड वियर्ड, बट आज के डिनर के लिए वीव गॉट अराउंड 150 ग्राम सॉटेड पनीर, थोड़े से शिमला मिर्च में और साइड में थोड़ा सा मेयो। एंड मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा था, बट इसके ऊपर मैंने बहुत सारा सॉल्ट डाला हुआ है। इट्स सेड दैट कीटो करते वक्त आपको हर एक मील में सॉल्ट डालना ही पड़ेगा, इट्स सॉर्ट ऑफ कंपलसरी, क्योंकि आपके बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं, सो टू रिप्लेनिश ऑल ऑफ दैट सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के लिए, सो हर एक मील में बहुत सारा सॉल्ट डालना इज एडवाइजेबल। टेस्ट टेस्ट। सो गुड। ओ एंड मैं सारे मील्स माई फिटनेस पैल का इस्तेमाल करके ट्रैक कर रहा हूँ। सो आज मैंने इन टोटल 2400 कैलोरीज खाया है। टू पुट थिंग्स इन टू परस्पेक्टिव, मैं हर रोज, मतलब डे टू डे लाइफ में जब मैं अपना नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहा होता हूँ, तो मैं 2100 कैलोरीज खाता हूँ। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि मेरा वेट कल सुबह कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मैं ये फिनिश करूंगा। आई मीट यू गाइस टुमारो। गुड नाइट।
सो अगर फिजिक की बात करी तो आई एम लुकिंग एंड फीलिंग अ लॉट लीनर, और ये मुझे वैसे कल काफी एक्सपेक्टेड था क्योंकि पूरे दिन मैंने जीरो कार्ब्स खाए, और कार्ब्स ना खाने की वजह से हमारी बॉडी जो वाटर वेट कहते हैं वो बॉडी से पूरी तरह से फ्लश आउट करती है, सारा वाटर बॉडी से चला जाता है, जिसकी वजह से यू अपीयर अ लॉट लीनर देन यू एक्चुअली आर। सो कल रात को मैं कीटो कॉफ़ी के बहुत सारे रेसिपीज़ देख रहा था, और मैंने नोटिस किया कि सारे अच्छे रेसिपीज़ में फ्रेश क्रीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसीलिए आज सुबह मैं दुकान गया और ये लेके आया। नाउ इट्स टाइम टू मेक कॉफ़ी। सो इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल। स्टैंडर्ड ब्लैक कॉफ़ी बनाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक चम्मच घी, थोड़ा सा बटर और 3 चम्मच फ्रेश क्रीम। 1, 2, 3 स्टर। यूजुअली इसे लोग एक ब्लेंडर में या एक हैंड मिक्सर की मदद से मिक्स करते हैं, बट मैं बहुत लेजी हूँ इसीलिए मुझे मिक्सर निकाल के मिक्सर में ये डाल के मिक्स करके, मिक्सर धोना नहीं है तो आई एम जस्ट गोना स्टर इट लाइक दिस। एंड बाय द वे हम फ्रेश क्रीम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दूध जो है वो कीटो फ्रेंडली कंसिडर नहीं किया जाता, विच इज़ वाई ये हमारे कॉफ़ी को थोड़ी सी टेस्ट देगा। एंड ये होने वाला है आज का प्री वर्कआउट मील, कल से बहुत बेहतर है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्रेश क्रीम। यस, अगर आपको कोई अच्छे कीटो रेसिपीज पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, इट हेल्प मी आउट अ लॉट। सो आज पुल डे है, बेसिकली बैक बाइसेप्स और फोरआर्म्स, और मैं और नील नीचे आते हैं क्योंकि यहाँ पर एक पुल अप रोड है। बैग इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि हम ये वेट्स को, एटलीस्ट मैं, नील को अभी तक वेटेड पुलअप्स करने नहीं आते, बट मैं इन वेट्स को मेरे बैग में रखता हूँ और उसके साथ वेटेड पुलअप्स करता हूँ। सो विल बी डूइंग वेटेड पुलअप्स और डंबल रोज, फेस पुल्स एंड लैट पुलओवर्स। So, कल और आज मैंने जो दो वर्कआउट्स किए दे वर द बेस्ट वर्कआउट्स ऑफ माय लाइफ। मुझमें इतना ज्यादा फोकस था, मैं और किसी भी चीज के बारे में विचार नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्कआउट पे फोकस था, एंड आई एक्चुअली हिट एन ऑल टाइम पीआर क्योंकि मैंने वेटेड पुल अप 17.5 kg एडिशनल वेट के साथ किया फॉर 5x5, विच इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। और जितने ईज के साथ मैंने किया जस्ट शोज की कीटो से मेंटल क्लैरिटी कितनी ज्यादा बढ़ती है। चेक दिस आउट, ये होने वाला हमारा पोस्ट वर्कआउट मील। 3 अंडे, बहुत सारे नमक और पास्ता मिक्स के साथ, अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, थोड़ा सा क्रीमी मेयो। आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल, अभी 4 बज गए हैं, सुबह से मैंने सिर्फ वो कॉफी पी है एंड इट हैज केप्ट मी फुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी इसीलिए मैंने ये मील बनाया। कीटो का एक स्टैंडर्ड रूल है, ईट व्हेन यू आर हंग्री, स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर फुल। इससे जो खुशबू आ रही है आई विश आप लोग इसे स्मेल कर पाते, बट इसके साथ आई एम गोना हैव ये है कीटो मसाला चाय। मेरे सारे व्यूअर्स को पता होगा कि मैं एक बहुत बड़ा चाय फैन हूँ, एंड ये डाइट शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में वो चीज आई कि आई हैव टू गिव अप चाय, बट दिस इज एक्चुअली नॉट दैट बैड। इसकी स्मेल बिल्कुल चाय जैसी है, इट्स जस्ट दैट ये स्वीट नहीं है, दूध की जगह मैंने फ्रेश क्रीम डाला हुआ है, एंड मेरे पास अभी घर पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं है। अभी मैं इसे एंजॉय करूंगा, जस्ट लुक एट दैट। आई विल सिट हियर, थोड़े से गाने सुनूंगा, यू एंजॉय करूंगा, आई विल हैव माय चाय। Unbelievable. I am so satisfied with keto. But of course, अभी सिर्फ day 2 है, 5 और दिन बचे हैं, but this is amazing. इतना tasty खाना खा के मेरा weight कम हो रहा है. I'm getting leaner, I'm getting stronger. Wow. This is unreal. It's so pink. आप लोगों को इधर glass के reflection में ही दिख रहा होगा. Crazy. आज नील हैज डिसाइडेड टू डू कीटो। नील, कोई रीजंस? आई एम गोना ट्राई इट आउट एंड सी हाउ इट फील्स, एंड इफ आई लाइक इट आई विल प्रोबब्ली कंटिन्यू विद इट। यस, सो नील का पहला दिन है आज, व्हिच इज व्हाई वी हैव कम टू बाय स्टफ। फ्रेश क्रीम, हां, टू बिग, एक छोटा टेट्रा पैक मिलता है जो मैंने
कल आया था. ओके सो द रीजन व्हाई आई गॉट चिकन लेग्स टुडे एंड नॉट ब्रेस्ट्स क्योंकि चिकन लेग्स में फैट का कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है. सो नील की एक बिल्ली है एंड ही इज बाइंग कैट फूड फॉर बिल्ला. बिल्ला दैट्स द मेल वर्जन आई थिंक इट्स कॉल्ड बोका. बोका बोका मराठी चूड़ा स्पेशल. स्पेशल चूड़ा. चलो 700 bucks. 700 for 50 times. Do I 700 by 50? How much is that? 35 bucks per time. सो यूजुअली मैंने सुना है कि ये डाइट शुरू करने के बाद पहले एक या दो दिनों में लोगों को कीटो फ्लू होता है. कीटो फ्लू बेसिकली ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे सिर दर्द करना, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हमारे बॉडी को इस नए लाइफस्टाइल और इस नए डाइट को अडैप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. तो उस अडैप्टेशन प्रोसेस में ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें कीटो फ्लू बोलते हैं. सरप्राइजिंगली मुझे एक भी सिम्टम नजर नहीं आया. मेरी बॉडी ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया. आई एम फीलिंग फैंटास्टिक. बट अगेन सबकी बॉडी अलग होती है एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू फील ओके ऑन दिस डाइट. सो दैट इज द एंड ऑफ डे 3. मैं मिलूंगा आप लोगों से कल सुबह. तो मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूँ, मैं ये दो चिकन लेग्स के पीसेस होने के बाद मेरे अंडों को इस चिकन लेग्स के फैट में कुक करने वाला हूँ. सो थोड़ा सा गार्लिक बटर और ये सारा फैट, इससे मेरे अंडों को एक बहुत ही स्वादिष्ट, डिलिशियस और एक ऐसा स्मोकी फ्लेवर आएगा जो अदरवाइज नहीं मिल सकता. व्हाट इज लाइफ राइट नाउ. यूजुअली जो मील्स फैट्स में ज़्यादा हाई होते हैं दे आर वेरी वेरी सैटिस्फाइंग. लाइक क्या आपको लग रहा है कि इस मील खाने के बाद मैं डिसअपॉइंटेड होने वाला, तीसरे दिन पे ही मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ. ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट इज द मॉर्निंग ऑफ डे 5. उठते उठते मैंने थोड़ा सा ग्रीन टी पिया एंड नाउ तो मेरी मम्मी मुझे घर पे पनीर कैसे बनाती है ये सिखाने वाली है, क्योंकि बाहर का पनीर थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है और अभी घर पे बहुत सारा दूध है. विनेगर निकाला था तो एक्चुअली काफी सिंपल है. सबसे पहले हमने दूध उबाला, फिर उस दूध के अंदर थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा नींबू निचोड़ा और अभी इसका टेक्सचर धीरे धीरे बदलने लगा है और जब ये पूरा का पूरा दूध पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा तो पनीर और पानी ऐसे दो लेयर्स बचेंगे. फिर यहाँ पर एक छन्नी है जिसके ऊपर हमने एक रुमाल रखा है, तो हम ये सब इसके ऊपर पोर करेंगे जिससे सारा पानी नीचे चला जाएगा, यहाँ पर स्टोर होगा और सारा पनीर ऊपर आ जाएगा. ओके नाउ टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, नाउ आई एम फीलिंग लाइक शिट. मुझे अचानक से कार्ब्स का क्रेविंग आ रहा था. मेरे सामने किचन में फल रखे हुए थे एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फ्रूट्स. एप्पल्स, बनानास, पेयर्स, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी. मुझे इतना ज़्यादा टेम्पटेशन आया, ऑल ऑफ अ सडन मुझे बस शुगर चाहिए मेरे बॉडी को, डिमांडिंग इट स्लोली. बट पता नहीं आज ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी काफ़ी डाउन है और वहाँ पर बाहर बारिश हो रही है. लकीली आज रेस्ट डे है इसीलिए आई डोंट नीड टू बी वेरी एनर्जेटिक, बट आई जस्ट वॉन्ट कार्ब्स. कल रात इन लोगों ने न्यूज में वापस बोला कि वो जिम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं. आई थिंक एक महीने पहले भी बोला था, तब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बट दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गेट एक्साइटेड क्योंकि पता नहीं क्या होगा. उन्होंने बोला कि वो सोच रहे हैं, अब क्या डिसीजन लेंगे हु नोज, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. गुड वेदर मेक्स मी हैप्पी.
went to stock up on chicken legs, वो मिल गए. But the funny thing is, महाराष्ट्र में cases बहुत rapidly बढ़ रहे हैं, and especially पुणे में. पुणे is the number one most infected city in India. तो मुझे sort of समझ भी नहीं आ रहा कि उन लोगों ने lockdown lift क्यों किया. सबको expected था कि वो लोग lockdown extend करेंगे. Maybe country की economy बहुत down हो रही है और उससे बचाने के लिए उन्होंने lockdown lift किया, but who knows. Neil ने keto 2 दिनों के लिए follow किया, which I'm very proud about. मुझे लगा था एक दिन करेगा और छोड़ देगा. How was your experience? It was quite fascinating, to be honest. Did you feel bad? Dizzy? No, it was pretty normal. कुछ नहीं? Yeah, if you have the dedication, you can do it. तो कल रात को, the discovery I made was unbelievable. मैंने एक बादाम लिया और उस बादाम को इस peanut butter में dip किया और फिर खाया. बोर्ड में कितने आए? 95.2. और कितने सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स मिले? बायोलॉजी. डू यू थिंक इट वाज वर्थ इट? स्टडिंग, या. ओके, तो व्हाट इज द नंबर वन टिप दैट यू वुड लाइक टू गिव समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड? डोंट गिव अप. या, आई मीन यू नीड कंसिस्टेंसी. कल वैसे अच्छा लग रहा था, आज भी अच्छा लग रहा है. आज मैंने अपने कॉफी में थोड़ा सा सिनेमन ऐड किया, दालचीनी, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट अंडरस्टैंड. एनर्जी लेवल अभी, मतलब आई थिंक अभी धीरे धीरे आदत होने लगी है. और ये हफ्ता काफी स्लो गया, लगा नहीं कि 7 दिन हो गया, ऐसा लगता है कि 2-3 हफ्ते हो गए. आई डोंट नो व्हाई. हेलो सर, व्हाट आर वी ट्रेनिंग टुडे? नी पुश. वी ऑलवेज स्टार्ट आवर पुश वर्कआउट विद पुशअप्स, क्योंकि हमारे पास बेंच नहीं है. वरना डंबल्स के साथ हम थोड़ा बहुत जुगाड़ करके बेंच कर पाते, बट बिकॉज वी डोंट हैव अ बेंच, हम स्टार्ट करेंगे पुशअप्स के साथ. वी डू 5 सेट्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू फेलियर अगर आप घर पे ट्रेन कर रहे हो. उसके बाद हम स्टैंडिंग ओवरहेड प्रेस, लैटरल रेजेस और ओवरहेड एक्सटेंशंस करेंगे. सबके अराउंड 3 से 4 सेट लगाएंगे टिल फेलियर. एंड हम हर सेट एक स्टॉप वॉच के साथ लगाते हैं टू मेक श्योर कि हम हर सेट में मिनिमम टाइम अंडर टेंशन 40 सेकेंड्स रख रहे हैं. The view. I know. वैसे हम काफी लकी है बिकॉज ये हमारा मिनी होम जिम है. एंड दिस इज द व्यू दैट वी गेट. सो नाइस यार. लेट चलो एंजॉय द वर्कआउट. These 7 days were the most intense and challenging 7 days of my life. Life में कोई भी change मुश्किल लगता है, whether it's a small change or a very big change. जब मैंने keto शुरू करने के बारे में सोचा, it hit me. मुझे carbs छोड़ने पड़ेंगे, चीनी छोड़नी पड़ेगी, tomato ketchup छोड़ना पड़ेगा. आपको पता है कि मुझे इन चीजों से बहुत सारी attachment है. But अभी जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे एक sense of accomplishment महसूस हो रही है. I'm proud of my willpower. We did it. इस experience के दौरान मुझे keto के बहुत सारे benefits नजर आए, जो मैं आप लोगों के साथ obviously share करना चाहता हूँ. बट बिफोर दैट, आप में से बहुत लोग क्यूरियस होंगे कि मेरे वेट में क्या चेंज आया. सो आई एम अराउंड 5'6" 5'7". यस, मैं बहुत बटला हूँ, कैमरा पे ऐसे लगता नहीं है, बट आई एम शॉर्ट. ऑन डे नंबर 1 एक खाली पेट पे मेरा वजन था 62.05 kg, और डे 7 पे, मतलब कल, मेरा वजन था 63.20. आई गेन 1 kg, प्रिटी आइडियल. जितना स्लोली आप वेट गेन करने पर फोकस करोगे, उतना बेहतर रहेगा. आप कम से कम फैट पुट ऑन करोगे. एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर वेट लॉस. जितना स्लोली आप वेट घटाने पे फोकस करोगे, उतना बेहतर रहेगा टू प्रिजर्व एज मच मसल मास एज पॉसिबल. अब बिफोर आफ्टर पिक्चर्स में आप लोगों को दिखेगा कि आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फैट एंड वाटर. मेरी फिजीक काफी ज्यादा ड्राई और लीन नजर आ रही है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज एमिंग फॉर. आई लॉस्ट फैट. एडिशनली इन 7 दिनों में मेरा मसल मास डेफिनेटली बढ़ गया है. आई नो दैट फॉर श्योर, आई कैन सिंपली फील इट. सो बेसिकली मैंने बॉडी रिकम्पोजिशन किया. अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में. बहुत सारे हैं, बट मुझे सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो दिखा वो था, अगर आप मेरी तरह हो, अगर आपको फूड इन जनरल पसंद है, आई एम टॉकिंग अबाउट फरसान, बाकरवड़ी, चितरे,
#महाराष्ट्रियन गुलाब जामुन मिठाई लड्डू। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें बकवास होती है, इट्स जस्ट दैट इन सारी चीजों में इतने सारे अननेसेसरी कैलोरीज होते हैं और इतनी सारी चीनी रहती है कि खाते वक्त हमें पता नहीं चलता, एंड दैट्स अ बैड थिंग। मैं एक ऐसे टाइप का इंसान हूँ जो वो पहली बाइट लेने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, बिफोर आई नो इट उस खाने का पूरा कंटेनर खाली हो जाता है और अगले सुबह मुझे रिग्रेट होता है। अगर आप मेरी तरह हो देन कीटो इज डेफिनेटली फॉर यू। कीटो करते वक्त क्योंकि एक पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्ब्स इक्वेशन से हट जाता है, आप इन सारे फालतू कैलोरीज को खाना कंसिडर भी नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कीटो नहीं कर रहे और अगर आपके घर पे हलवा बना हुआ है और आपकी मम्मी बस आपको चखने के लिए बोलती है तो आप खाओगे, आपके पेट के अंदर अननेसेसरी कैलोरीज जाएंगे और वो एक बाइट लेने के बाद आपको और खाने का मन करेगा। दैट्स हाउ कार्ब्स वर्क इन योर बॉडी। वो एक बाइट आपको ट्रिगर करेगी और आपके ब्रेन में एक रिस्पॉन्स आएगा जिससे यू विल डिमांड मोर ऑफ इट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कीटो पे हो और आप उस हलवे की प्लेट को देखोगे यू विल इंस्टेंटली रिजेक्ट इट, सिंपली बिकॉज आपके डाइट में वो अलाउड ही नहीं है। और कुछ दिनों के बाद कंसिस्टेंटली कीटो करने के बाद आपके दिमाग में आएगा अभी मैं कीटोसिस स्टेट में हूँ, अगर मैं वो एक बाइट खाऊंगा तो मैं कीटोसिस से बाहर निकलूंगा, इतने सारे दिनों की मेहनत चली जाएगी। ट्रस्ट मी, उस थॉट की वजह से, उस विचार की वजह से आप ऑटोमेटिकली नहीं खाओगे। सम अदर बेनिफिट्स, रात को जीरो क्रेविंग्स, बिकॉज हाई फैट फूड जनरली बहुत टेस्टी होता है, आप हमेशा सेटिस्फाइड रहोगे। अनदर बेनिफिट, आपको पूरे दिन में कॉन्स्टेंट एनर्जी महसूस होगी एज कम्पेयर टू अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि जब आप कार्ब्स खाते हो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक हो जाता है और उस स्पाइक की वजह से आपको उस मोमेंट में इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बट उस स्पाइक के बाद आपकी एनर्जी ड्रॉप होने लगती है। आपको क्यों लगता है कि एक हैवी मील खाने के बाद आपको थोड़ी सी नींद आती है? दैट्स बिकॉज योर इंसुलिन स्पाइक्स और उस स्पाइक के बाद आपकी एनर्जी ड्रॉप होती है। कीटो डाइट में आप कार्ब्स कंज्यूम ही नहीं करते, दैट्स व्हाई आई एक्सपीरियंस्ड कॉन्स्टेंट एनर्जी थ्रू आउट द डे। मुझे बहुत सारा अलर्टनेस महसूस हुआ, मेंटल क्लैरिटी महसूस हुई, मुझे कभी भी लेजी महसूस नहीं हुआ। ऑल्सो स्पीकिंग ऑफ ट्रेनिंग, इस हफ्ते आई हैव हैड द बेस्ट ट्रेनिंग सेशंस इन ऑल ऑफ लॉकडाउन। मुझे ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट हर एक वर्कआउट बहुत इंटेंस और बहुत फोकस ड्रिवन था। ओके, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो लेट मी नो इन द कमेंट्स बाय ड्रॉपिंग 3 hearts, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। ओ बाय द वे, I'm continuing keto.